इस मुबारक बाद में। कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो वही आज का व्लॉग ये है कि आज हम बना रहे हैं बिरयानी और हमारी आज रात है चांद रात और कल ईद है वही। तो हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ की ईद कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई हमने शुरू कर दिए, ये प्याज आ गए हैं, अब ये गोश्त डाल लें, सब कुछ मसाले वसाले डाल दिए हैं, ये चमचा घुमा रहे हैं, बादशाह मसाले डाल रहे हैं, अजीत दादा खा रहा है और ये अपनी स्पेशल कॉफी बना रहा है। यूज़ में चावल यूज़ करते हैं, ये वाले चावल यूज़ करते हैं, बेहतरीन चावल है बेहतरीन। तो बिरयानी बन चुकी है, दम लग गया है, लगा हुआ है कब से, मेरी आंख लग गई थी 5-10 मिनट की, तो सोते हुए बैठे बैठे मैं सो गया था। खैर तो अभी जो है शीरकुरमा भी इतनी देर में मंदिर शेफ ने रेडी कर दिया और आज जो है ये नहीं ढक्कन, ये रहा ढक्कन कहाँ से खुलेगा, की तैयारी चल रही है भाई, देखने फुल नहा के, लोग नहाने से पहले लगाते हैं, नहाने के बाद लगाते हैं। हाँ भाई अब तैयारी हो रही है नहाने की, ये कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और ये जो है मेरे कपड़े हैं, मेरी बहन आप ही ने दिया और जो है अभी आप ही ने दिया है गिफ्ट, तो पहनते हैं इसको। वैसे प्रोग्राम तो कुछ और था, मुझे पता नहीं था, लेकिन आप ही ने गिफ्ट दे दिया ये वाला, अचानक से देखा अभी जब कपड़े खोले थे तब देखा था तो मिल गया। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने और फिर आपको नहा के बताते हैं, चाहिए नहा के मिलते हैं। ऐसा नीति कर लिए पहनने, आज टाइम आ गया है इसका, इसको पहन के अभी निकल जाते हैं। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अब स्टार्ट हुआ है वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि अभी हम बहुत बेहतरीन जगह जाने वाले हैं और जाएंगे। अभी मैं नहा चुका हूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं ही लेट हमेशा की तरह आखिरी में तैयार होता हूँ, तो इस बार भी काफ़ी लेट हो गया, सब निकल गए पैदल, 25 मिनट पैदल गए ये लोग, 25 यहाँ से 25 मिनट की उस पर वॉक पे 25 मिनट है, गाड़ी में 3 मिनट है, मैंने कहा हम 3 मिनट में पहुँचेंगे, आप लोग जाओ 25 मिनट में। तो खैर सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हालाँकि मैं इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा लेकिन आपको फिर भी दिखा देंगे। तो हम निकलते हैं नमाज पढ़ने, तो चलें चलें, काफ़ी लेट हो गया है यार, सीट एक आगे कर दी थी ना मैंने, तो जल्दी से निकलेंगे। अच्छा घर से इतनी दूर जाके मुझे दिख गए एक आवाम हमारी और ये भी वो आवाम, भाई नमाज कहाँ होगी, मोबाइल तो लड़के का इसको ही देते हैं, ये लो जल्दी पकड़ो, ईद मुबारक, ईदी। हाँ भाई तो बड़े काफी दिनों बाद आए, कितनी देर बाद, 20 मिनट बाद आए, पूरे पूरे टाइम पे आए भाई, आप क्या वाला सवाब, सवाब होगा, सवाब मिलेगा। अब चलते हैं, हम तुम्हारे वेट करते हुए थक गए हम, अब चलेंगे। हाँ शुरू नहीं हुई है लेकिन आप देख रहे हैं कि रौनक देख रहे हैं आप, सब रौनक देख रहे हैं आगे, और ये इधर यहाँ चल रहा है सिस्टम। तो खैर अभी हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज स्टार्ट होने वाली है, नमाज पढ़ते हैं आपसे, फिर नमाज के बाद मिलते हैं कुछ देर बाद, सही है, नमाज पढ़ते हैं फटाफट। देखें माशाल्लाह से ये जो है यहाँ पे मिल रहा है
यादव भाई जो हैं एंड में सबसे पहले खड़े हुए कि चाय इनको मिल जाए चाय लेके जान लेंगे ये अपने आप। सबसे पहले आदमी ये आया था, नमाज छोड़ के इसको ना टेंशन लगी हुई थी कि मैंने जाना है और जाए खाना है कह रहा है नमाज छोड़ के भागेंगे। और हम निकलते हैं अपने घर की तरफ और फिर घर पे खाते हैं बिरयानी मजेदार जो मंदिर ने बनाई है, तो वही मिलते हैं आप। तो भाई ये मेरे कपड़े, ये मैं ऐसा लुक दिख रहा है आज, मेरा दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई, ईद क्या करेंगे मना के। खैर अब चलते हैं बिरयानी खाने, आ जाए। नहीं चले, हम नहीं खोल सकते, खोलेंगे बट बाद में, तो मिलते हैं बिरयानी खाते हुए। बेहतरीन आधी मिक्स करो ना, आधी मिक्स करो, आधी आधी। हाँ तो वहीं से आधा काटो, यहाँ से काटो आधा। बेहतरीन, ये ईद की सौगात, अभी खा के देखते हैं। बेहतरीन। हाँ भाई, तो आप लोगों ने सब देख लिया, बिरयानी वगैरह शीर कोरमा वगैरह सब खा लिया और अभी हम जाएंगे, कुछ देर में निकलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ईद जो है वो पाकिस्तान में ही है अच्छी, क्योंकि वही मम्मा की हाथ का शीर कोरमा और ये फिर सब आ रहे हैं, चाचू से ईदी देना, पापा से गले लग के जो सुकून मिलता था, तो वो मज़ा ही लगता है। यहाँ ईदी ईद नहीं चाहिए, फिर खालाओं के घर जाना और बहुत से लोगों से मिलना, वो सुकून एक मज़ा था, अपने दोस्तों से, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अरफात, उससे मिलना और बहुत से लोग हैं ऐसे जिससे मिलने में बहुत सुकून मिलता था। खैर अब तो वो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह से अच्छे दोस्त हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा बहुत सपोर्टिव हैं। और खैर तो ईद पाकिस्तान में अच्छी है, ये सब देखना पड़ता है ईद में यहाँ पे ही आपको अकेले रहना है, कोई नहीं आएगा आपके पास, पापा मम्मा थोड़ी आएंगे, मेन चीज़ वही है। तो खैर हम इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। 1000 years later। हाँ यार, तो अभी हम तैयारी हो चुकी है, हम जा रहे हैं, कौन सा आइलैंड जा रहे हैं? ग्रेट ओशन रोड है जी। ओके, ये उड़ उड़ दबंग दबंग दब, ये पोस्ट मार रहे हैं बादशाह, दूसरे पोस्ट मार रहे हैं, ये गाड़ियाँ रेडी हैं। हाँ यार, तो अभी जो है गाड़ी में गैस वैस ख़त्म है, तो गैस वैस दिलवा देते हैं, तो अभी दिलवाते हैं गैस। इसमें आपको देखो गैस पहले तो बता चुके हैं गैस कैसे डालनी है, आपको एक दफा और दिखा देते हैं। नहीं नहीं बोलो नहीं, बस जल्दी के शॉर्ट में ले लेंगे, क्विक शॉर्ट ले लेंगे कोई। हाँ ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, आ जाओ। नहीं नहीं ये नहीं, ये हमारी भी सफ़र जो है रहता है कितने, 2 घंटे 11 मिनट का, हम 1 घंटे सफ़र कर रहे हैं। Shit to me, you ain't shit to me. Shit to me, you denied everything. तो हाँ भाई, हम पहुँच चुके हैं, अच्छा काम है। 12 हॉस्टल कौन सी, अरे कहना क्या चाहते हो, जगह ये देखिए, आप आधार चेक करें, हम पहुँच गए। हाँ वही मजा चेक करेंगे, कितना बेहतरीन व्यू है। खैर तो अभी हम चलते हैं पानी की तरफ, चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे वीडियो की तरफ, चलें आपको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। यार पानी में जाएंगे खराब हो जाएंगे, वैसे तो होगा ही, हमारे पीछे का नज़ारा और बड़ा ही बेहतरीन है, क्या ही मज़ा है भाई, क्या ही सुकून है। लेकिन मिस तो कर रहे हैं घर वालों को अपने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन्जॉयमेंट भी आ रही है अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ने मैंने कटा दिया, वो उधर ही खड़े हुए, तो मैंने कहा हम ही आ जाते हैं। यार बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, थक गया हूँ मैं तो, ये भाषा के हालात देखें। आ जाओ भाई,
बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है। तो हाँ भाई, अब हम जो है निकल रहे हैं घर की तरफ, और बड़ा मज़ा आया, बेहतरीन जगह थी। आप लोग भी आए इधर, वो जगह भाषा आप नाम बता दें कौन सी है? ग्रेट ओशन रोड। वहीं आना है आप लोगों ने भी, 3 घंटे की ट्रेन है मेलबर्न से। तो अब चल रहे हैं, देखो। तो हाँ भाई, हम घर आ चुके हैं और बड़ा मज़ा आया, लेकिन वही ईद जो है ना, ईद पाकिस्तान में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम तो सोचेंगे पाकिस्तान में ईद करने का। और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सबसे फिर हसन और आप ही ईदी भिजवाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ईदी भिजवाइए। वो ईदी भिजवाइए ये, थैंक यू सो मच फॉर दिस हसन एंड आप ही। तो खैर, अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि व्लॉग्स पता चलते रहे कि आ गए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।